तेन तप्तम हुतम दत्तमेवाखिलम तेन सर्वम कृतम कर्मजालम येन श्रीराम नामामृतम पानकृत मनुष्य मवलोक्य मनवद्य मवलोक्य कालम। अर्थात गोस्वामी चरण कहते हैं तेन तप्तम, उस व्यक्ति ने संपूर्ण तपस्याएं कर ली, उस व्यक्ति ने संपूर्ण हवन कर लिए, उस व्यक्ति ने संपूर्ण दान दे लिए, उस व्यक्ति ने संपूर्ण वैदिक नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासनात्मक कर्म कर लिए, जिस व्यक्ति ने कराल कलिकाल की भयंकरता को देखकर सतत निर्मल श्री राम नामामृत का पान कर लिया, अर्थात राम नाम के जप में जिसने स्वाद की अनुभूति कर ली। इसीलिए कहना तो नहीं चाहिए परंतु प्रेरणा के लिए कह रहा हूँ, इतनी व्यस्तता में भी मैं 100,000 राम नाम का जप करके ही और कार्य करता हूँ। मेरी संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों से प्रार्थना है कि वे निरंतर राम नाम का आश्रय लें। कलिपाखंड प्रचार प्रबल पाप पामर पतित तुलसी उभय आधार राम नाम सुरसर सलिल। कलयुग में पाखंड का प्रचार हो चुका है, पापाचार बढ़ता जा रहा है, व्यक्ति का जीवन नैतिक मूल्यों से हटता जा रहा है, तो एक ही अब आधार बचा है। दो आधार बचे थे पर गंगा जी तो संप्रति भौतिक दृष्टि से दूषणग्रस्त हो गई हैं, परंतु एक आधार अभी भी बचा है, राम नाम। राम नाम कभी दूषित नहीं होता, इसलिए हम निरंतर जितना हो सके उतना श्री राम नाम का जप करें। जय श्री सीताराम।